जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश शर्मा, आरजे भाई इंटीरियर में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बाथरूम का डोर है दोस्तों। इसमें इसका हैंडल लॉक लगाने के बारे में हम बात करने वाले दोस्तों, और आप लोग को सिखाने वाले दोस्तों कि इसका जो इसमें जो बेबी लेस लगता है वो कैसे लगता है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बेबी लेच है, ये बाथरूम डोर में और किचन डोर में यूज होता है। और वो देख सकते हैं दोस्तों, ये हंडील हो गया हमारा, दो हंडील हो गया। और उसके बाद ये हमारा देख सकते हैं, ये बॉडी लॉक है हमारा। और ये हैंडल के रॉड दिया हुआ है और ये स्क्रू दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, दरवाजे में कैसे फिट करते हैं। तो चलिए आप लोग को फिट करके दिखाते हैं, इसको बहुत इजी तरीका बताएंगे दोस्तों इसको फिट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको कैसे फिट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हम फ्लोर से 42 इंच पे मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं इसके लिए। तो देख सकते हैं फ्लोर से 42 इंच पे देख सकते हैं मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद सीधे गुनिया से राइट एंगल से इसको सीधा लाइन खींच लेंगे, इधर भी देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और उसके बाद जो हमारा ये बॉडी लॉक होता है दोस्तों, सिलेंडर, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बॉडी लॉक है दोस्तों। तो ये बॉडी लॉक को ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा जो डोर है लेफ्ट साइड में खोल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो डोर लेफ्ट साइड में खुल रहा है। तो इसके लिए इसको हम ये देख सकते हैं, ये जो रहता है इसको हम लेफ्ट राइट किधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड डोर खुल रहा है, तो इसके लिए हम इसको इसको पुश करके इसको चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ये राइट साइड में है अभी, इसको लेफ्ट साइड कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसको बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ताकि हमारा दरवाज़ा जब बंद होगा ऐसे। तो चलिए इसके मार्किंग कर लेते हैं। तो जो मार्किंग किए थे दोस्तों, ये जो होल है दोस्तों इसका, जो मार्किंग किए थे यहाँ से सीधे राइट एंगल में, जो मार्किंग किए थे यहाँ से नीचे फ्लोर से 42 इंच पे, इसके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। तो दिखा देते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो होल है इसको ये लाइन के सेंटर में कर लेंगे। और इसके बाद इसमें पेन से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो देख रहे हैं बॉडी लॉक, इसके सामने से मार्किंग कर लेंगे उसको, और नीचे भी कर लेंगे और इसको हटा लेंगे। और उसके बाद इसके सामने मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। मार्किंग का ठीक सामने इधर भी कर लेंगे मार्किंग, सामने तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका साइज चेक कर लेंगे दोस्तों, इसका चौड़ाई कितना है, इसका साइज उसी हिसाब से इसको फ्लैट बिट से गलाएंगे दोस्तों। इसको इसके लिए होल करेंगे फ्लैट बिट से। तो इसका दोस्तों मोटाई चेक कर लेंगे इसका कितना है। तो दोस्तों ये 15 mm है, देखते हैं 15 mm है, तो हम 16 mm के बिट से इसको होल करेंगे। चलिए
ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा फ्लैट बिट है 16 mm का। तो चलिए इससे होल कर लेते हैं। ये जो बॉडी लग के लिए मार्किंग किए थे ये इस साइज का, ये तो इधर सामने मार्किंग कर ले हैं। तो चलिए इसके, तो दोस्तों इसके लिए हम ये जैसे डोर देख सकते हैं, 1.5 इंच मोटा हमारा डोर है। तो इसके लिए ये हम सेंटर में इसका सेंटर करके मार्किंग कर लिए दोस्तों। उसके बाद चलिए हम इसको होल कर लेते हैं और होल करके फिर से दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इसको होल कर लिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम फरसी से इसको सीधा काट लेंगे दोस्तों। चलिए फरसी से इसको काट लेते हैं, उसके बाद फिट करके दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, तब तक इसको हम फरसी से इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं जो मार्किंग किए थे, उसके बाद आप लोग को फिट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम इसको कटिंग कर लिए जो मार्किंग किए थे, उसको अच्छी तरह कटिंग कर लिए दोस्तों। ये प्लेट के लिए कटिंग किया है दोस्तों, ये अच्छी तरह से हम साफ कर लिए इसको, पूरा अच्छी तरह से काट लिए। अब चलिए इसको फिट करके दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो होल मार्किंग किए थे वो देख सकते हैं, इसके लिए ये होल के लिए इसको भी हम 10 mm से होल कर लेंगे इसको। उसके बाद आप लोगों को दिखाते, चलिए होल कर लेते हैं इसको पहले। चलिए दोस्तों इसको होल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस हम होल कर लिए इसको, और चलिए इसको फिट कर लेते हैं। ये रॉड डाल लेंगे पहले दोस्तों। होल करने के बाद दोस्तों सप्ली इसको रॉड को लगा लेंगे। रॉड को लगा के उसके बाद हैंडल को लगा लेंगे दोस्तों। इसको आप लोग चेक कर लेना दोस्तों, नीचे की तरफ में प्रेस होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको इसमें स्क्रू लगा लेते हैं। पीछे साइड वाला भी हैंडल को दोस्तों उसको कस लेंगे, इसको स्क्रू लगा लेंगे इसमें भी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसको हम फिट कर लिए, कितना जल्दी हो गया, कितना इजी हो गया। अब इसके लिए दोस्तों चौकट में होल करेंगे इसको दोस्तों, उसके बाद ये हमारा लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम इसमें होल कर लेते हैं। इसके लिए होल करके और इसका पत्ती उसमें कस के उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए तब तक पत्ती लगा लेते हैं चौकट में।
दोस्तों इसको मार्किंग करने के लिए इसमें थोड़ा सा फेविकोल लगा लेंगे और फेविकोल लगाने के बाद इसको नीचे तरफ हैंडल दबा के दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और उसके बाद 2-3 बार ऐसे इसको प्रेस करके फिर खोल लेंगे तो हमारा परफेक्ट मार्किंग देख सकते हैं आप लोग, परफेक्ट मार्किंग आ जाएगा। उसके बाद चलो इसको काट लेते हैं। काटने के बाद इसको पत्ती फिट करके फिर आप लोगों को फाइनल प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों। चलिए तब तक ले काट लेते हैं इसको। इसके लिए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम इसको फिट कर लिए दोस्तों, कटिंग करके इसको प्लेट हम फिट कर लिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फाइनल हो गया लग। बहुत आसान है दोस्तों इसको लगाना, वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा तो लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।